daily show with Muneer Meman. अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर एमन के साथ। आज ये कहा जा सकता है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। एक बार फिर से शायद कराची और हैदराबाद के वासियों की जिंदगियों में रंग भरे जा सकते हैं, और ये कहा जा सकता है कि वो जो उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता रखी हुई थी इस जमहूरियत से या नाम नहाद जमहूरियत से, उस वो तमाम तर उम्मीदें अब यकीनी तौर पर अमली जामा पहनती हुई दिखाई दे रही हैं। कराची हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात काफ़ी अरसे से मुलतवी थे, जेर इल्तवा थे, और काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि उसमें तातुल नज़र आ रहा था। बेशतर वजूहात उस पर पेश की गई, कभी बारिश, कभी बरसात, कभी धरने, कभी एहतजाज, कभी सियासत, तो कभी कुछ और। हर बार ये जो बल्दियाती इंतखाबात थे वो मुलतवी किए गए, और इसके बाद अब आलम यह है कि कराची की बात करें तो कराची में तो हर जगह सड़कें टूटी नजर आती हैं। कराची में किसी भी तौर पे यूटिलिटी सर्विसेज की बात करें तो वो सिरे से नजर नहीं आती। जिस अंदाज से कारपेटिंग के नाम पे कराची में जो अरबों रुपया खर्च किया गया, वो कारपेटिंग जिस नौयत की गई, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि शायद उसमें डामड़ कम बल्कि शायद ऐसा मटीरियल, सब क्वालिटी मटीरियल, सब स्टैंडर्ड मटीरियल इस्तेमाल किया गया कि वो बिछाने की कुछ ही देर बाद या कुछ ही दिनों बाद वो फिर से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। कराची में इस वक्त ये कहा जाए कि बेसिक सहूलियात का फुकदान है तो गलत ना होगा। K4 मंसूबा, दीगर मंसूबे जो के सालों साल से जेर इल्तवा है, आखिर वो पूरे क्यों नहीं हुए और हुकूमतें इनको पूरा करने के लिए संजीदा क्यों नहीं है? यकीनी तौर पर तमाम दर सवालात हैं जो कराची में रहने वाला, बसने वाला हर एक शख्स करना चाहेगा। ये सवाल भी उठाया जाएगा कि कराची की दरअसल कुल आबादी कितनी है। ये जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, क्या ये तयन किया जा रहा है कि इसकी कुल आबादी कितनी है, और इस एतबार से हल्का बंदियां की जाती हैं और इस एतबार से मैंडेट डिसाइड किया जाता, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। वो सिंध हुकूमत जो आज से कुछ अरसा पहले तक ये कहती दिखाई देती थी कि हमारे पास अददी कुवत नहीं, हमारे पास वो नफरे नहीं, हमारे पास वो पुलिस फोर्स नहीं जो कि इन बल्दियाती इंतखाबात को स्मूथली करा सके, जब हुक्म आया तो तमाम चीजें अब ग्राउंड पे नजर आ रही हैं। और अब ये कहा जा सकता है कि 60 दिन के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात होते हुए नजर आएंगे। आज इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं जरा मंजर कशी करवाना चाहूंगा आज तमाम तरह लोगों की जो कि पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि कराची और हैदराबाद की दरअसल सूरत हाल क्या है, या ओवरऑल सिंध की बात करूं तो सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब अनवार शेख साहब, सीनियर साफी हैं, ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं और ग्राउंड की सूरत हाल से बखूबी वाबस्ता है। अनवार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अनवार साहब, किसी भी बात की तरफ बढ़ने से पहले जरा मंजर कशी करें उन नाजरीन के लिए जो कराची और हैदराबाद की एक्चुअल सूरत हाल से वाबस्ता नहीं है। शुरू अल्लाह के बिस्मिल्लाह रखें नाम से। देखे जी मुनीर साहब, मसला यह है जो कराची के हालात हैं, और मैं गुज़िश्ता कई बरसों से देख रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कि कराची के साथ एक सुतेली माँ जैसा सुलूक किया जा रहा है। कराची का वो बुरा हाल किया हुआ है, कराची की सड़कें, कराची के साथ पूरा स्ट्रक्चर जिसे कह लें आप, पूरा निज़ाम बर्बाद किया हुआ है, मैं कहता हूँ तबाह किया हुआ है। जो इसकी तरक्की होनी थी, जो इसे तरक्की की जानिब गामजन होना था, आप यकीन जाने मुनीर साहब वो तरक्की नहीं हुई। 74 साल हो गए आज हमें आज़ादी को पाकिस्तान की, वो जाती कराची के साथ हुई हुई है, मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है। मैं कैमरा लेके, माइक लेके हर यूसी, हर इलाके में मैं जाता हूं, और अनगिनत हजारों मसाइल हैं वहां पर, आप सोच नहीं सकते। गैस, बिजली, पानी, सैवरेज, यानी अजीबो गरीब हालात हैं। मैं बड़ा दंग रहता हूं कि हम पाकिस्तान की आजादी को इतने साल हो गए और अभी तक हम अभी भी वही सैवरेज की लाइनों में, वही टूटी हुई सड़कें, वही बुरा हाल, वही बहुत बुरा हाल है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जो हमारा सिस्टम है, जो बल्दियात का है, पूरा एक निजाम चलता है, वो अभी तक मैं नहीं समझ पाला। ये बताएं वो क्यों नहीं आगे काम कर रहा हूं। हम देख रहे हैं कि फिर सूरत हाल कुछ बेहतर है, यहाँ पे देखा जा सकता है कि मीडिया हाउसेस बहुत सारे हैं, कोई भी छोटी छोटी चीज होती है रिपोर्ट हो जाती है, शऊर भी काफी ज्यादा इसमें शहर में नजर आता है, लोग बाशऊर हैं। लेकिन जैसे हम कराची से आगे बढ़ते हैं, मैं हैदराबाद की बात करूं, जी जी, हैदराबाद में नया इलाका तो फिर कदरे बेहतर है,
लेकिन पुराने हैदराबाद की जो सूरत हाल है वहां पे आज भी गटर का जो निजाम है, सीवरेज का जो निजाम है, वो बे इंतहा बुरा है। वहां पे आज भी जो निजाम जो हमें नजर आता है सीवरेज का, उससे कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं, लेकिन सालों गुजर गए, मेरे ख्याल से ये निजाम बेहतर ना हो सका। और आज मैं कराची की बात करूं, हैदराबाद की बात करूं, तो यहाँ पे गैस नहीं आती, यहाँ पानी नहीं आता, यहाँ पे बिजली के जो मामलात हैं, क्या आज आपके घरों में जो बिल आते हैं उस पर लोग सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि अक्सर जो बिजली लाइन में आ रही होती है वो रास्तों में चोरी कर ली जाती है, जो गैस आपके घरों तक आनी है वो बीच रास्ते में से चोरी हो जाती है, जो पानी आपके घर पे आता है वो चोरी होकर टैंकरों में भर भर के दिया जाता है। तो ये क्या मतलब माइंड सेट है, क्या ये सोच क्या है इस शहर के चलाने वालों के पीछे, मौजूदा हुक्मरानों के लिए? देखिए जी मुनीर साहब, मसला ये है कि बरसों से हमारा निजाम बिगड़ा हुआ है। इसलाह करने की मैं ये समझता हूं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सहाफी एंकर, जो मैं हर यूसी और तमाम कराची के तमाम इलाकों में जाता हूं, आप यकीन करें निजाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, आप सोच नहीं सकते जो वो हालात हैं। और कोई समझ है? अच्छा, इंतखाबात हुए हुए नहीं है, इलेक्शन हुए नहीं है, केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैठे हुए हैं, वो कह रहे जी हम कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन करें किस इलाके में बिजली पानी सैवरिज टूटी हुई सड़कें, और कई इलाकों में तो वजूद ही नहीं है सड़कों का, सैवरिज के निजाम का। आप यकीन करें बहुत बुरा हाल है, वही हाल हैदराबाद का, वही वो जो तकलीफें कराची की हैं वही हैदराबाद की है। और मैं नहीं समझ पाता कि ये लोग उस मसले को हल क्यों नहीं कर रहे। कितना बड़ा दौर एमक्यूएम का रहा, आपको पता है उनके मेयरशिप रही, और कितना वो कहते हैं हमने किया, मैं मानता हूं उन्होंने किया, लेकिन मैं मुझे जितना वो चीज समझ जो चीज करनी चाहिए थी, जितना करना चाहिए था उतना किया, वो नहीं हुआ। आज भी आप हैदराबाद का जाके देखें आप कि वो सैवरेज की लाइनें नहीं डाल पाए पुराने हैदराबाद के अंदर, वो आज भी नालियां बनी हुई वहां पर। मुझे इलेक्शन साहब ये बताएं, ये सूरत हाल है कि हमेशा से ऐसी नहीं थी। 2003-4 की बात करूं, 2005 की बात करूं, तो कराची वो शहर था जो कि तेजी से तरक्की कर रहा था, यहाँ पे निजाम नजर आता था, यहाँ पे सहूलियात नजर आती थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा वो दौर जिसको आमरियत का दौर कहा जाता था, उसमें तो बल्दियाती निजाम मौजूद था, बेहतर स्ट्रक्चर मौजूद था, बेहतर वसाइल मौजूद थे। उस आमिर के दौर में वो कुछ हुआ जो कि शायद कराची की पिछली 70 साल तारीख में कुछ ना हुआ, वो कुछ हुआ और ये देखने में आया कि हुआ, और कराची के अवाम ने उसको सराहा, फील किया। और एक बार शायद वो दौर था जब कराची वालों ने अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस नहीं किया, अपने आप को भरपूर तौर पे इस तमाम तरक्की के अमल में शाना बशाना पेश किया। लेकिन उस दौर के बाद हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, अलायंस फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का होता है, और उस वक्त कराची में ये दो बड़ी जमातें ही बरसर इक्तदार थी। जमात इस्लामी का उस वक्त भी कोई इतना बड़ा मैंडेट नहीं था कि हम ये उनसे तकाजा शायद कर सकते। तो ये वो दो बड़ी जमातें थीं जिन्होंने मैंडेट लिया, जिनके हवाले से ये कहा जाता था कि कराची मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गढ़ है, जिसके बारे में ये कहा जाता था पीपल्स पार्टी का ग्राउंड सिंध है। अगर हम सिंध की बात करें, सिंध के शहरी इलाकों की बात करें, कुछ शायद उस दौर से लेके आज तक ना हुआ। कुछ अंडरपासेस बने, कुछ ब्रिजेस बने, कुछ पुल तामीर किए गए, लेकिन ग्राउंड पे जितना कुछ इस दौरान हो सकता था, जो कुछ करे जाने की जरूरत थी, वो कुछ ना हुआ। देखिए मुनीर साहब, मसला ये है कि एमक्यूएम के जो मेयर रहे वसीम अख्तर साहब, वो मेयर थे जी, 4 साल वो इख्तियारात का रोना ही रोते रहे, वो यही कहते रहे मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी मेरे बस में कुछ नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, नेमतुल्ला का जो दौर था, अब मैं नेमतुल्ला के दौर की तरफ आया, उन्होंने उस दौर में मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, याद होगा आपको, उस दौर में काम हुआ। ठीक है, मुस्तफा कमाल साहब के दौर में भी काम हुआ, उन्होंने अंडरपास और कई ब्रिज बनाए, बहुत सारे काम किए उन्होंने। मैं उन्हें स्पेशली जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने बड़े इनकलाबी काम किए और बड़ी सैवरेज की लाइनें डाली और बड़े पानी का उन्होंने निजाम बनाया। वो बिल्कुल हुआ, लेकिन उसमें भी हम सब जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब की ज़ाती दिलचस्पी थी, वो कराची को आइकॉनिक सिटी बनाना चाहते थे, उन्होंने कराची के साहिलों को तामीर किया, उसके ऊपर आबशार नस्ब किए, उसके ऊपर वो कुछ किया कि वो चाहते थे कि कराची में जो टूरिज्म है वो बहाल हो, कराची की रौनक के बाद। तो मुशर्रफ साहब का ज़ाती इनिशिएटिव था, शायद अगर सदर पाकिस्तान का उस वक्त इनिशिएटिव ना होता तो गालिबन उस वक्त भी कुछ ना होता। देखें मुनीर साहब, मसला ये था वो कराची को मेगा सिटी बनाना चाहते थे। आप लाहौर का हाल देख लें, कितना तरक्की करा उसने, आप जाके देखें उनकी सड़कें,
आप लाहौर के तमाम, वहां मेट्रो चल गई सर, 74 साल की तारीख हमारी गवाह है। आप जाके देखें लाहौर का, फैसलाबाद का देखें आप, कितनी शानदार सड़कें, मोटरवे बना दिया उन्होंने। आज भी हम कराची और हैदराबाद में सिसक सिसक की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये कितना जुल्म है हमारे साथ, कितने जुल्म और बर्बरी, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आज भी हम देखें, मैं कैमरा माइक लेके हर यूसी हर इलाके में मौजूद हूं, मैं जा रहा हूं और वहां अनगिनत मसाइल। अच्छा अनवर साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कराची वालों का दर्द बयान कर रहे हैं और ये भी मैं उनका हम कराची में ना ही कोई हमने देखा कि सालों तक कोई एम्बुलेंस सर्विस नजर आई, ना कोई रेस्क्यू का हमला नजर आया कराची में, ना ही कोई इस तरह के हुकूमती सतह पे कोई रिफाई इदारे नजर आए। बल्कि कराची वो शहर है जो कि चैरिटी के नाम पे शायद सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े शहरों में शायद इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं की जाती, चैरिटी नहीं की जाती जो कि कराची में की जाती है, कराची की आवाम की जानिब से की जाती है। और यकीन तौर पर यही काबिल सताइश है कि कराची में इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग मौजूद हैं और यही वजह है कि शायद ये शहर अभी तक बाकी है। लेकिन अनवार साहब, अभी हम जरा बल्दियाती इंतखाबात की तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं बल्दियाती इंतखाबात दरअसल कब होने थे और कितना अरसा इसके ऊपर गुजर गया कि बल्दियाती इंतखाबात होने ना होने, होने ना होने के कश्मकश में सारा अरसा गुजर गया। सर जी, एक साल से ये सिलसिला चल रहा है, मेरी इलेक्शन कमीशन से बात हुई है, वो हर 2-3 महीने की तारीख दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि अभी हम तैयार नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात, हम पुलिस को लिखते हैं, लाइन फोर्सेस को, वो ये कहते हैं, लाइन फोर्सेस के जो सरबराह हैं वो कहते हैं जी इस वक्त हमें इस्लामाबाद में बुलाया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट ने, वहाँ हमें ज़रूरत है, वहाँ एहलकार की, वहाँ हमने 1,000-2,000 नफरी वहाँ भेजी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, फिर धरने और जो हमारे सियासी मामला जो चलते रहे उसकी वजह से कराची हैदराबाद बहुत डैमेज रहा और हो रहा है, जाती जुल्म हो रहा है, बुनियादी मसाइल जो अवामी मसाइल है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है मुनीर साहब। अच्छा, उसके साथ साथ जो सबसे मेन मसला है कराची पुलिस, अब सैलाब आ गया, सैलाब से पूरा सिंध आपको पता है डैमेज हुआ है, वो नफरी वहां नफरी वहां मुझे ये बताया। अच्छा, साहब अब वो कहते हैं जी हमारे पास 17,000 नफरी नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन को से हम माजरत कर रहे हैं। अनवार साहब मुझे ये बताएं, जो भी ढीले बहाने पेश किए जा रहे हैं, जो भी इस वक्त बातें की जा रही है कि ये था वो नहीं था, आपको लगता है इसमें सदाकत है? मुनीर साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं नहीं जानता, आप बता दें। नहीं सर, आप रिपोर्टर हैं, आप ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं, मैं ग्राउंड पे कितनी सदाकत है कि मैं बल्दियाती इलेक्शन ऐसा माहौल था कि बल्दियाती इलेक्शन हो ही नहीं सकते थे। सर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट बढ़ा देता है, फिर मजबूरन जमात इस्लामी को, तहरीक इंसाफ को, इन जमातों को कोर्ट में जाना पड़ता है, वहां पिटिशन लगाते हैं, वहां केस चलता है, हालात कौन पैदा करता है, उनको लिखती है, ये हालात कौन पैदा कर रहा है? हालात लाइन फोर्सेस कहती है हम तैयार ही नहीं है, हमारे इंडिविजुअल मसाइल किसकी मात है सिंध में? सिंध गवर्नमेंट के, तो आप ये कहना कि सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती? नहीं, मैं सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी हम हमारे अपने इंडिविजुअल मसाइल है, हम उसमें उलझे हुए। तो मतलब सिंध गवर्नमेंट की नजर में बल्दियाती इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं है, दार की नीचे तक मुंतकली नहीं होगी। मुझे ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, आवामी मसाइल हल नहीं। मुझे ये बताएं सिंध गवर्नमेंट की नजर में बल्दियाती इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है वो चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? पता नहीं क्यों उनको, जबकि इलेक्शन कराने से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को फायदा है, मैं ये समझता हूँ। देखे आप निचली सतह का कारकुन मुतहरिक होता है, वो मेंस्ट्रीम सियासत में आता है, वो जिम्मेदारी उठाता है। मलीर डिस्ट्रिक्ट में इनकी बहुत अच्छी पोजीशन है, मैं आपको बताऊं, किमाड़ी में चले जाएं आप, किमाड़ी पूरा डिस्ट्रिक्ट अब इन्होंने बना दिया है, तकरीबन 4 जिले में तो इनकी बड़ी जबरदस्त पोजीशन है पीपल्स पार्टी की, और इलेक्शन करवाने में तो इनका बहुत फायदा है। मैं तो मेरी समझ से तो बालातर है कि इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, सब वो तो कह रहे हैं, उससे राय फरार अख्तियार कर रहे हैं। सर नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि इस बार मेयर जो होगा कराची का, अच्छा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, और अगर मैं ये समझूं कि वो कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंस की वजूहत भी होंगी, तो जब ये तमाम दर कॉन्फिडेंस है तो फिर क्यों सिंध हुकूमत इतने अरसे तक कतराती रही और अभी भी शायद खदशात है? बहुत से लोग अभी भी कराची में समझते हैं कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात की जो तारीख दी है 15 जनवरी की, गालिबन ये तारीख ही है, इसके ऊपर शायद भी अमल दरामद ना हो सके। देखे मुनीर साहब, इलेक्शन कराने में पीपल्स पार्टी का बहुत फायदा है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो सैलाब से डैमेज हुए मामलात, पूरा सिंध मुतासिर हुआ है, आपको पता है इनके वोटर भी मुतासिर हुए हैं। अगर ये इंतखाबात करा देंगे तो कम से कम इनकी कुछ तो बहाली हो जाएगी, कुछ तो पोजीशन वाजे हो जाएगी। और अगर इंतखाबात में हारोगे तो फिर क्या होगा, ये पोजीशन कहां जाएगी? खत्म है,
तो सर यही तो कहा ना, इसका मतलब यही तो कर देंगे ना। ये सवाल मैं आप और नाज़रीन की तरफ छोड़े जाता हूँ ब्रेक की जानिब से, कि क्या मौजूदा सियासी जमातों को, क्या मौजूदा हुक्मरानों को इस बात का खौफ है कि वो इस इंतखाबी अमल में अगर पीछे रह गए तो क्या इसके असरात आने वाले जनरल इलेक्शंस के ऊपर भी होंगे? और ये भी जानते हैं हम कि अगर 15 तारीख को ही बल्दियाती इंतखाबात होते हैं और उसमें जो भी नतीजे आएंगे उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जनरल इलेक्शंस पे होगा, और जो जनरल इलेक्शंस के हवाले से बात कही जा रही है कैन मुमकिन है कि जनरल इलेक्शंस शायद गर्मियों की छुट्टियों से पहले हो जाएं, ये भी इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जनरल इलेक्शंस कुछ महीना पहले करवा दिए जाएं, ये मुमकिन है? और इसके हवाले से अभी से बातें चल रही हैं और यकीन तौर पर अगर ये नतीजे आए तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे, आप भी सोचिएगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा ये तस्करा हो रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात में जो नतीजे आएंगे क्या उसका असर आने वाले आइंदा इंतखाबात पे होगा, जनरल इलेक्शंस पे होगा, और क्या ये भी वजूहात हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं या सियासी जमातें हैं वो इस तमाम तर अमल से कतरा रही हैं कि अगर तो बल्दियाती निज़ाम या बल्दियाती इंतखाबात में उनको उस तरीके के नतीजे मौसूल ना हुए तो शायद आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें भी इनकी पोजीशन मजीद कमजोर हो सकती है। अनवार साहब, हमने देखा कि गुज़िश्ता जो इंतखाबी अमल कराची में देखने में आया उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक सीट पर जीती जिसमें शायद चंद वोटों का फासला था टीएलपी का और वो इलेक्शंस पूरी तरीके से मुतनाज़े रहे। इसके बाद एक इलेक्शन हुआ यानी 245 का जो कि महमूद मौलवी साहब और मोहित अनवर साहब के दरमियान लड़ा गया, पीपल्स पार्टी ने उसमें अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया। उसमें भी ये देखने में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत वाजे तौर पे एक बर्तरी हासिल की और वो जो नशिस्त उनकी थी पहले भी उन्होंने अपने नाम रिगेन की। इसके बाद कराची में तीन और सीटों के ऊपर इंतखाबात होते हैं जिसमें तहरीक इंसाफ एक पे कामयाब हो जाती है, एक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती है, और मलीर वाली सीट पर फिर जो वीडियोज आती हैं, जो मनाजर देखने में आते हैं, जो वहां पर हंगामा होता है, फिर वो इलाका, वो इलेक्शंस, वो जो पोलिंग बूथ है वो मुतनाज़े हो जाता है। मुझे ज़रा ये समझाएं कि क्या ये इतना कुछ हम देख रहे हैं कि दो या तीन हलकों में इंतखाबात होते हैं उसमें भी बहुत सी चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं, चीज़ें मुतनाज़ा हो जाती हैं। आप बात करें कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की, सर यहाँ पर हुकूमत दो हलकों में इंतखाबात नहीं करा पा रही, आप कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में इंतखाबी अमल की बात करें। देखें जी मुनीर साहब, ज़मनी इलेक्शन में तो ये बात वाज़े हो गई है कि क्या पोजीशन रहेगी तहरीक इंसाफ की भी और पीपल्स पार्टी की, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। उसके अंदर मलीर से जो सीट निकली पीपल्स पार्टी को मिली, मैंने आपको पहले क्या कहा कि बल्दियाती इंतखाबात कराने में पीपल्स पार्टी का बहुत फायदा है, आप सोच नहीं सकते। उन्होंने जिस तरह अभी जो हल्का बंदी और जिलों को बनाया है उसमें तकरीबन 3-4 जिले जो है कि उसमें उनकी अवामी अक्सरियत है और वो उसमें होल्ड है उनका, फिर भी पीपल्स पार्टी सिंध सरकार में बैठी है और इलेक्शन नहीं करवा रही, समस्या बालातर है। एक तो मैं आपको एक अच्छा दूसरा, अब जो कराची में वाज़े पोजिशन है वो है तहरीक इंसाफ की। अच्छा तहरीक इंसाफ जो है वो एक नई कुव्वत बन के आई है, अभी आपको पता ही है नहीं। अच्छा तहरीक इंसाफ को लाजमी था आवाम पसंद कर रही है, अब लाजमी था लोग चेंज चाहते हैं, पुराना जो भी हो गया अब लोग कहते हैं कि नई क्यादत आए, नया सेटअप हो, शायद कुछ हमारे ग्राउंड रियलिटी बताएं, मुझे ये लोग जानना चाहते हैं आपके बकौल इस वक्त, मगर आपकी जाती राय पूछूं। जी जी, हम ये समझते हैं कि जानते हैं कि जनरल इलेक्शंस का माहौल अलग होता है, नेशनल असेंबली की नशिस्त अलग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक असर होता है। बिल्कुल, और बल्दियाती इंतखाबात की तरफ आए तो जमात इस्लामी कराची और हैदराबाद में हमें दिखता है कि ग्राउंड पे बड़ी वाजे अक्सरियत लेके एक बड़ी भरपूर कुव्वत के साथ सामने आती है। इस वक्त अगर आप जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, कौन सी जमात कितना ज्यादा नंबर्स लेने में कामयाब रह सकती है? देखिए जी, मेरा अपना एक तजिया है। जी, आपका जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं हर यूसी हर इलाके में कैमरा लेके जा रहा हूँ और देख रहा हूँ जो हालात देख रहा हूँ, अवामी जो राय में आप जमात इस्लामी
ने इलेक्शन कमीशन को इस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मजबूर किया कोर्ट के जरिए, उन्होंने आईनी रास्ता अख्तियार किया, ठीक है जी, और आईनी रास्ता अख्तियार करके बार बार पहले उनसे पर्सनली कहा कि देखें इलेक्शन की तरफ जाएं, ये सब आवाम को उनके जायज हकूक नहीं मिल रहे। फिर जब सिंध गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि जी हमारे पास अभी हम तैयार नहीं है, मजबूरन फिर कोर्ट का दरवाजा खटकाया, और कोर्ट ने, मैं सलाम पेश करता हूं अपने सिंध हाई कोर्ट को, उन्होंने तारीखी फैसला किया, और ऐसा तारीखी फैसला किया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि आप 15 जनवरी को किसी भी तरीके से, आपको कराची पुलिस अगर आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही तो आप फेडरल गवर्नमेंट से बात करें, कहीं से भी करें, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करें और इलेक्शन करवाएं। मुझे ग्राउंड रियलिटी बताएं, ग्राउंड पे इस वक्त पोजीशन क्या है, ग्राउंड पे जमात कहां पे खड़ी हुई है? तीन पार्टियां जो है ना, मैं कराची और हैदराबाद में देख रहा हूं इस वक्त जो वाजे पोजीशन जो है, देखें पहले तो है तहरीक इंसाफ, वो भी आपको लगता है बलदियात के मामले में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, देखें जमात इस्लामी 29 दिन तक सिंध असेंबली के बाहर बैठी रही और कराची के हक दो कराची के हकूक के खाते आपको पता है, और तूफानी बारिश में, मैं सलाम पेश करता हूं जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज साहब को, हाफिज नईम उर रहमान साहब को, कि वो तूफानी बारिश में, और आप यकीन करें अपने कारकुनों के साथ सिंध असेंबली के बाहर बैठे रहे और वो एक ही बात कहते रहे, कराची को उसका हक दो, कराची के बुनियादी मसाइल हल करो, कराची का सैवरेज का, बिजली का, पानी का, गैस का, सारे मसले हल करो, बिल्कुल सही। अब थक गए हम, तो वो बार बार वो ऑन करते रहे, आखिर में वजीर आला साहब खुद आए और उन्हें यकीन दहानी कराई, इदारे नूरा का भी आए कि आप बेफिक्र रहें, हम जो आप चाहते हैं तरमीम हम करें, वो तरमीम की गई, उसके बाद मुत्तहिदा गवर्नमेंट की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर वो तमाम तर मामला अच्छा, ये इलेक्शन कैंसिल कराने में देखें मैं आपको बताऊं, जहां पीपल्स पार्टी का किरदार था वहां एमक्यूएम ने भी पटिशन दायर की हुई थी कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा कि जी मर्दमशुमारी सही, मर्दमशुमारी दोबारा होनी, तो आप खुद कह रहे हैं अगर पीपल्स पार्टी ने हल्का बनी उस नियाज से कराई है उन्होंने, देखिए इतनी बात नहीं मानी एमक्यूएम की, इतनी बात नहीं मानी उन्होंने, वो जो एमक्यूएम चाहती थी एमक्यूएम पाकिस्तान वो बात नहीं मानी गई, वो इसलिए चाहते थे कि अभी इलेक्शन ना कराए जाए, दोबारा मर्दमशुमारी कराई जाए, दोबारा हल्काबंदी की जाए, उसके बाद कराची के इलेक्शन कराए जाए, तो ये सिलसिला चल रहा था, और एक जंग पे मुझे बताएं ना, आपने एक जंग चल रही थी तहरीक इंसाफ वाजे तौर पे मजलूम आदमी पिस रहा था। नंबर वन की बात करूं तो तहरीक इंसाफ आपको दिखाई देती है, इसके बाद जमात इस्लामी और तीसरा पीपल्स पार्टी, सर आप मुत्तहिदा गवर्नमेंट को राइट ऑफ कर रहे हैं, पीएसपी को राइट ऑफ कर रहे हैं, पीएसपी भी देखें, मुस्तफा कमाल साहब को भी मैंने आपको कहा कि उनके दौर में बड़ा काम हुआ, मुस्तफा कमाल साहब और मैं कहता हूं कि बहुत जबरदस्त मेयर साबित हुए, और उन्होंने कराची का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया और कराची में तकरीबन 13 के करीब अंडर बाईपास बनाए और तकरीबन कई जो है उन्होंने बड़े बड़े ब्रिज बनाए और कराची में बेहतरीन सड़कों का निजाम उन्होंने ही किया। ये मुस्तफा कमाल साहब को मैं क्या रहा है ये बताएं, ग्राउंड पे क्या होता है दिखाई, ग्राउंड पे जो मैं आवामी लोगों से, आप अगर ये बात कह रहे हैं कि पीएसपी बलदियाती इंतखाबात में कोई वाज़े कामयाबी नहीं लेगी, मैं ये नहीं कहता, फिर जनरल इलेक्शंस में पीएसपी कहां खड़ी होगी, ये भी हम सवाल करेंगे। देखें मुनीर साहब, मैं ग्राउंड की सूरत हाल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो तमाम इलाके यूसीस में जा रहा हूँ देख रहा हूँ, पीएसपी की जो मामला है वो मुस्तफा कमाल के हवाले से, आपको पता मुस्तफा कमाल साहब के भी तारीखी काम है, बिल्कुल वो मैं सलाम पेश करता हूं, लेकिन उसको साल गुजर गए ना, लेकिन आज भी आवाम गुजर गए सर, आज भी आवाम जो है उसको 15-20 साल का अरसा गुजर गया, अब आवाम आगे की तरफ देख रही है। कराची और हैदराबाद के साथ मैं ये देख रहा हूं गुज़िश्ता 14-15 साल से मुनीर साहब बहुत जुल्म और ज़ाती हो, मुझे एक बात बताएं, उनके साथ वो बुनियादी मसाइल उनके हल नहीं हो पा रहे, मुझे उनकी दहलीज पे नहीं पहुंच पा रहे, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पे जा रहा है, मुझे ये बताइएगा कि ऐसा ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा गवर्नमेंट अलायंस करके गवर्नमेंट अपनी फॉर्म करें बल्दियात में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, कोई मैंने सर्वे किया है अभी तक ऐसी अलायंस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा गवर्नमेंट, नहीं मुझे नहीं लगा, और जमात इस्लामी दोनों का मिजाज अलग है, मिजाज तो फिर वफाक भी साथ ही है ना, वो अपनी एक अपनी जगह है, लेकिन अच्छा अच्छा ये बताएं कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का आपको लग रहा है कि एक मिजाज बनता है और साथ में मिल बैठेंगे दोनों? देखें नहीं, क्योंकि कुछ उड़ती उड़ती खबरें तो चल रही थी कि मेयर एक का होगा, डिप्टी मेयर एक का होगा, इस तरह के मामला देखें, इमरान खान साहब जो हैं उनकी अपनी आपको पता है एक अवामी मकबूलियत है, सही, और जो हमारे नौजवान तबका, लेकिन जमात इस्लामी से देखें, जमात इस्लामी का जो मामला है वहां सब नजरियाती लोग हैं, आप समझते हैं,
जो बरसों से चल रहा है एक सिलसिला, वो वही है जमा इस्लामी का। लेकिन नेमतुल्ला साहब के दौर में भी बड़े काम हुए, एक बहुत बड़ा ब्रिज बना, जो मैं नेमतुल्ला साहब को स्पेशली खराज तहसीन पेश करता हूं, जमा इस्लामी को। देखें इंडस्ट्रियल एरिया कॉलोनी से लेकर शाह फैसल कॉलोनी तक जो उन्होंने इतना बड़ा ब्रिज बनाया और बहुत बड़ा काम, तो इस टाइप के बहुत सारे मसले हैं। आखिरी मिनट में मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि 15 तारीख को जो इंतखाबी अमल के हवाले से तारीख दी गई है, ये इंतखाबात 15 तारीख को होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? मुनीर साहब एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बिल्कुल 4 दफा ये डेट कैंसिल हो चुकी है, अब हो रही है, अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन होने में कराची का और हैदराबाद का फायदा है। सर तजिया पूछ रहा हूं, इनसाइड स्टोरी पूछ मुझे रहा हूं। अब ऐसा लगता है मेरी एज ए सहाफी मैं कहता हूं अब 15 जनवरी को इलेक्शन हो जाएगी, हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और इससे ही आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वरना वो ऐसी तरह सिसक सिसक के जिंदगी बसर करते रहे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और यकीन तौर पे बड़ा अहम था कि इलेक्शंस 15 तारीख को 15 जनवरी को जो मुतवक्के हैं, बलदियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना दो टोक फैसला सुना दिया, सिंध गवर्नमेंट को इंतखाबी अमल के हवाले से तैयारियां शुरू करने का कह दिया, सिंध हाई कोर्ट भी इस हवाले से तमाम तर मामलात के ऊपर कड़ी निगरानी रखे हुए, और उम्मीद की जा रही है कि अब ये बलदियाती इंतखाबात का जो मामला है अब किसी करवट बैठेगा और जल्द हम देखेंगे कि बलदियाती इंतखाबात की जो गहमा गहमी है वो फिर से बहाल होगी। बलदियाती निज़ाम जिस हवाले से हम ये कहते हैं कि जिस तर्ज सियासत की पाकिस्तान में बात की जाती है, जिस जमहूरियत का इस वक्त डंका पीटा जाता है, उस जमहूरियत में बलदियाती निज़ाम ना हो तो यकीन तौर पर वो जमहूरियत आधी अधूरी और बेमकसद जमहूरियत होगी। वो जमहूरियत ही कैसी जिसमें आम आवाम की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए काम ना किया जाए। उम्मीद करते हैं जो कुछ होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के शहरों के लिए बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।